नमस्कार दोस्तों, आज हम रतनगढ़ माता मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जो रामपुर गांव से 5 किलोमीटर तथा दतिया जो कि मध्य प्रदेश में है उससे लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यह पवित्र स्थान घने जंगलों में है और सिंध नदी के किनारे माना जाता है। हर साल हजारों भक्त लाखों भक्त इस मंदिर में आते हैं ताकि वे माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज का आशीर्वाद पा सके। हर साल भाई दूज के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ माता और कुंवर के दर्शन करने को आते हैं। यहाँ पर मान्यता है माँ रतनगढ़ वाली एवं कुंवर बाबा की कृपा से किसी भी जहरीले जानवर का विष बिना किसी दवा के मात्र इनके नाम का बंधन लगाने से पूर्णतः उतर जाता है, रोगी ठीक हो जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यदि दुर्भाग्यवश किसी को जहरीला जीव जंतु जैसे कि सांप छिपकली या जिसके काटने से जान चली जाती हो ऐसा जीव काट ले तो लोग जमीन से जरा सी मिट्टी भभूति के रूप में माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज जी के नाम से बंधन लगा देते हैं। मान्यता है कि इसके बाद कोई भी इलाज या चिकित्सा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। माँ रतनगढ़ वाली के कहते हैं कि माँ की कृपा से रोगी को काल छू भी नहीं सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आने वाली दीपावली की दूसरे दिन अर्थात भैया दूज के दिन रोगी को और पशु रोगी जिसको किसी जीव ने काट लिया था और उसके नाम का बंधन लगा है तो उसकी शांकर अर्थात जिस रस्सी से पशु बंधता है वह रस्सी को माता रतनगढ़ वाली दरबार में दर्शन को लाएं या उस रोगी को लाएं। माँ रतनगढ़ वाली कुंवर महाराज के दर्शन करने के पश्चात रोगी का बंधन खुल जाता है। माता रतनगढ़ वाली की एक कथा और भी प्रचलित है जिसके अनुसार मुगलों से युद्ध करने के पश्चात शिवाजी हार गए थे और वह विंध्याचल के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी कोई कन्या उन्हें थाली में भोजन लेकर आती हुई नजर आई और जब शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास से उस कन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि यह कोई सामान्य कन्या नहीं अपितु तो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा है। माता रतनगढ़ वाली के रूप में माँ जगदम्बा मंदिर में विराजमान है। अगर आप कभी इस क्षेत्र में जाए तो माता के दर्शन अवश्य करके आए और उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूले। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।